नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस गए हुए हैं। रूस के कजान शहर में वो पहुंच चुके हैं। वहां पर ये ब्रिक्स की जो मीटिंग होनी है उसको अटेंड करने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, इनका वहां पर पहुंचते ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत में इनको लड्डू और ब्रेड, नमक, ये सारी चीज़ें पेश करी गई। दोस्तों, इनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने वहाँ से एक वाक्य जो बोला है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। दरअसल दोस्तों, इन्होंने ये बोला है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म कराने के लिए जो भी शांतिपूर्ण तरीके से पहल हो सकती है, भारत उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये बात दोस्तों बोलना बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, आपको एक बात ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रूस में पिछले 4 महीनों में दूसरी बार गए हैं। ये जुलाई के मंथ में भी गए थे, उस वक्त भी इन्होंने रूस से बोला था कि ये युग जो है ये वार का वक्त नहीं है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पे गए और यूक्रेन में भी जाकर ये बोला कि ये जो भी आपको समाधान निकालना है ये समाधान बातचीत से निकलेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इस बार जब नरेंद्र मोदी जी रशिया पहुँचे हैं तो ये समझ लीजिए कि इनकी केमिस्ट्री रूस के साथ इतनी अच्छी है, स्पेशली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, कि व्लादिमीर पुतिन आज एक मजाक में एक बात बोलते हैं भारत के लिए, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं कि अब हमारे रिलेशन इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको रशियन समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे भाव से ही समझ जाते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मतलब हमारा संबंध इतना अच्छा हो गया है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन कितना अच्छे से समझते हैं कि हमें किसी के साथ रिलेशन कितने अच्छे बिल्ड करने हैं और साथ में दुनिया को एक मैसेज देना है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है अगर रशिया कह रहा है कि हमारे हाव भाव इतने अच्छे हैं, आपस में इतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि क्या कहने वाले हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई। दोस्तों, इससे मैसेज सीधे जाता है वेस्टर्न कंट्री को। दरअसल रूस एक ऐसा दुनिया का कंट्री है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहाँ सबके मिला लिए जाएंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा अकेले रूस के ऊपर लगे हुए हैं। फिर भी रूस जब दबने के लिए तैयार नहीं है, जब इतने सैंक्शन लगे हुए हैं तब भी वो फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब उसको कट ऑफ तो कर दिया गया दुनिया से, बहुत से वो देश में जा नहीं सकते क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जिसके अच्छे संबंध हैं वेस्ट के साथ, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ अच्छे देश हैं, रिश्ते हैं भारत के, और जो उसके साथ और जो दूसरे कंट्री हैं ब्रिक्स में, टोटल ब्रिक्स में 9 मेंबर हैं, बाकी और जो कंट्री हैं वो उतने अच्छे रिलेशन इंजॉय नहीं करते वेस्ट के साथ। तो रूस ये दिखाना चाहता है इज़राइल को और यूएसए को स्पेशली कि देखिए भारत आपसे बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में है भारत, भारत की एक अपनी अलग महत्व है, वो ये चीज़ दिखा रहे हैं रूस के लोग। वहीं भारत का कहना क्या है, भारत भी अमेरिका को ये दिखा रहा है देखिए आप भी हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन रूस भी ज़रूरी है, मैं किसी भी तरफ झुक नहीं सकता। और ये एक अच्छा चीज़ भारत के साथ ये हुई कि अभी 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट साइन हो गया है चाइना के साथ, जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था बॉर्डर पर, उसके लिए ये एक निर्णय निकल गया कि 2020 के समय जितनी दूरी हम अपनी पेट्रोलिंग कर लेते थे हमारी सेना उनकी सेना, वो उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, उसी स्थान तक पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये जो हुआ है इसको करने के पीछे काफ़ी बड़ा हाथ रूस का है, रूस ने ये चीज़ें कराई हैं, अपनी बात रखवाई है, तो भारत और चाइना ने मिलकर इसको रिजॉल्व करा। ये चीज़ भी यूएसए को नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा, इसराइल को कैसे मैसेज दिया, दरअसल यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनको
इसराइल ने अपने देश में एक तरह से बैन कर रखा है कि ये आएंगे तो इनको हम जेल में डाल देंगे, कहते हैं हमारे देश मत आना, और उनको रूस ने ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है यहाँ बुला लिया है एज अ चीफ गेस्ट। तो ये गेस्ट के रूप में वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इससे वो ये दिखाना चाहता है रूस के, देखिए जिसको आप दुश्मन मानते हैं वो हमारे लिए दोस्त है, हम उसका ग्रैंड वेलकम करेंगे, बहुत स्वागत करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये इसराइल के लिए मैसेज है पुतिन का। दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारत और रूस के लिए जो रिलेशन है ये तो अच्छे हैं ही हैं, इससे साथ में वेस्ट को भी एक दबाव जाता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि वेस्ट में कनाडा है, इस वक्त भारत से वो रिलेशन ख़राब और करना चाहता है, तो और उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में अमेरिका भी कर रहा है उसका सपोर्ट। तो भारत का एक मैसेज अमेरिका के लिए भी है कि आप ऐसे ब्लाइंडली सपोर्ट मत करने लगी कनाडा का, कोई वो सबूत आज तक दे नहीं पाए जो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, तो मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भारत ने वो मैसेज दे दिया। अब देखते हैं दोस्तों अब आगे और क्या आता है ब्रिक्स में, और क्या अपडेट निकल के आता है, तो कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।